गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल, आई एम रितु एंड यू आर वाचिंग रितु हांडा। तो गाइस आज का बात करने वाले हम अपनी स्किन टाइप्स के बारे में। बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होता कि हमारी स्किन किस टाइप की है। तो गाइस आजकल बाजार में मेकअप प्रोडक्ट्स की बहुत बड़ी रेंज है, तो हम हमेशा मार्केट में जाते हैं और कितने सारे प्रोडक्ट्स अपने लिए बाय कर लेते हैं, लेकिन हमें नहीं पता होता कि ये क्या ये प्रोडक्ट हमारे स्किन के लिए बने हैं। लेकिन आजकल तो प्रोडक्ट्स के ऊपर भी मेंशन होने लगा है कि ये दिस इज फॉर ड्राई स्किन, दिस इज फॉर कॉम्बिनेशन स्किन, दिस इज फॉर नॉर्मल स्किन, दिस इज फॉर ऑल टाइप्स, लेकिन हमें नहीं पता होता कि हमारी स्किन किस टाइप से है। तो आज हम बात करेंगे अपनी स्किन के बारे में कि किस तरह जान सकते हैं कि हमारी स्किन किस टाइप से है। कई बार क्या होता है, जो मार्केट में जाते हैं बाय करने के लिए, वो लोग हमसे पूछते हैं कि आपकी स्किन किस टाइप की है, हम उस टाइप के आपको प्रोडक्ट देंगे, लेकिन हमें खुद को नहीं पता होता कि यार ये क्या क्वेश्चन पूछा है, मेरी स्किन किस टाइप की है। हम बोलते हैं कि यार आप देख लो किस टाइप की है। तो गाइस आज यही प्रॉब्लम आपकी मैं सॉल्व करने के लिए आई हूँ एक अपने छोटे से डेमो के साथ। अगर वो डेमो अगर आप अपने फेस पे ट्राई करते हैं तो आपको पता लग सकेगा कि आपकी स्किन किस टाइप की है और आप अपने लिए बेस्ट प्रोडक्ट बाय कर सकेंगे, आप अपने फेस के लिए बेस्ट स्किन केयर कर सकेंगे। तो ये अगर मेरी वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होती है तो गाइस प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करना, और प्लीज जिन्होंने अभी तक मेरे वीडियो को चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, आपको और भी बहुत सारी नॉलेजिंग वीडियो आपको मिलने वाली है। तो गाइस बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो एंड देखते हैं डेमो, और एंड तक आपको मेरी वीडियो देखनी होगी ताकि आपको फुल इन्फॉर्मेशन होगी आपकी स्किन किस टाइप की और आपको किस टाइप के प्रोडक्ट यूज करने चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। आपको इस तरह का पेपर लेना है। तो गाइस जब आप उठते हो सुबह तो सबसे पहले आपकी अपने स्किन पर इस तरह के पेपर को इस तरह से प्रेस करना है, और आप देख सकते हो कि बहुत ही हल्की हल्की जगह से अभी तक कोई ऑयल नहीं आया है, लेकिन मैंने जब अपनी स्किन को बहुत अच्छी तरह से प्रेस किया तो हल्का हल्का सा ऑयल मेरी स्किन पर आ गया है, मेरे फेस पर आ गया है। तो गाइस बहुत ज़्यादा प्रेस करने के बाद जब इस पेपर के ऊपर ऑयल आएगा तो आप समझे कि आपकी स्किन नॉर्मल स्किन है, क्योंकि ये तो ना तो ज़्यादा ड्राई है ना ज़्यादा ऑयली है, क्योंकि ऑयली जो स्किन होती है ना उसमें आपको पेपर को प्रेस करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो आपने जब बहुत अच्छे पहले आपने सिंपल ढंग से अपने फेस पर जब पेपर रखा तो उस पर ऑयल बिल्कुल नहीं आया, लेकिन जब आपने बहुत अच्छी तरह से पेपर को प्रेस किया तो आप देख सकते हैं कि इस पार्ट पे ऑयलिंग हल्की हल्की सी ऑयलिंग हुई है। तो गाइस इसका मतलब आपकी स्किन नॉर्मल टाइप की है। अगर आपका रिजल्ट ऐसा आता है तो आपकी स्किन नॉर्मल टाइप की है। तो गाइस अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट स्टेप है हमारा कॉम्बिनेशन स्किन। कॉम्बिनेशन स्किन का हमें कैसे पता चलेगा, तो उसके लिए, और अगर आपको पता करना है अपनी कॉम्बिनेशन स्किन का, तो गाइस आपको इसी टाइप का पेपर एक लेना पड़ेगा और उसको अपने फेस पर आपको इस टाइप से फिर से प्रेस करना है, बहुत हल्का हल्का पूरे फेस पर आपको प्रेस करना है। और उसके बाद अपने पेपर पे देखना है कि आपके किस पार्ट पे ऑयल आया है। तो गाइस आप देख सकते हो मेरे फोरहेड एरिया पे, नोज एरिया पे और मेरे चिक्स एरिया पर, पूरे टी जोन एरिया पर मेरे ऑयल है। तो गाइस इससे आपको पता चलेगा कि आपकी स्किन कॉम्बिनेशन स्किन है। कुछ पार्ट आपका जो है वो ऑयली है और कुछ पार्ट आपका ड्राई है, ऐसी स्किन बहुत ज़्यादा लोगों की होती है। तो गाइस जब हम मॉर्निंग में उठते हैं अगर आपके फोरहेड पे या आपके नोज एरिया पर या आपके चिक्स एरिया पर ऑयल है, लेकिन आपके चिन एरिया पर ऑयल है, आपके चिक्स पर ऑयल बिल्कुल नहीं है, तो आप समझिए कि आपकी स्किन नॉर्मल है। तो आपको अपने कॉम्बिनेशन स्किन है, तो आपको अपने कॉम्बिनेशन स्किन के हिसाब से ही अपने प्रोडक्ट्स को चूज करना होगा। तो गाइस आई एम श्योर आपको पता लग गया होगा कि कॉम्बिनेशन स्किन क्या होती है। तो अब हम चलते हैं ड्राई स्किन की ओर, अभी हम चलते हैं ऑयली स्किन की ओर। तो ऑयली स्किन की स्किन में क्या होता है, जब आप सुबह उठते हैं ना तो आपको, मुझे लगता है, पेपर यूज करने की जरूरत नहीं है। अगर आप अपना मिरर देख लें तो आपको तब भी पता लग जाएगा स्किन पर इस टाइप से सारा मतलब ऑयलिंग आपके फेस पे होगी। लेकिन जब आप इस पेपर का यूज करेंगे तो आप अपनी स्किन के बारे में जानने के लिए इस पेपर का जरूर यूज करें, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो गाइस आपको इस तरह से अपने पेपर को लेकर आपको अपनी पूरी स्किन को प्रेस करना है। तो गाइस आप देख सकते हो मेरे पूरे पेपर पर ऑयलिंग हो गई है, तो इसका मतलब आपकी स्किन नो डाउट पूरी तरह से ऑयली स्किन है।
तो गाइस ऑयली स्किन को पहचानना तो बहुत इजी है, आप मिरर में देखकर भी अपनी ऑयली स्किन को पहचान सकते हो। तो अब हम बात करते हैं ड्राई स्किन की, जो कि मेरी है। ये तो सब डेमो थे आप लोगों के लिए, तो गाइस और अब टर्न है हमारी ड्राई स्किन की, जो कि मेरी है बहुत ज्यादा ड्राई स्किन। तो गाइस इस स्किन के बारे में मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है, तो ये पेपर भी हमारे कोई काम नहीं आएगा अपनी स्किन को पहचानने के लिए, बिकॉज ड्राई स्किन को हम खुद ही पहचान सकते हैं। तो गाइस ड्राई स्किन का क्या होता है कि जब हम सुबह के टाइम उठते हैं ना, तो आपकी स्किन पर बहुत खिंचाव होता है, जैसे अकड़न सी आपकी एक स्किन पर होती है, तो कभी कभी तो व्हाइट पैचेस भी होते हैं। तो गाइस दैट्स ड्राई स्किन, जब आपकी कोई फेस पे, नोज पे या कहीं भी कुछ ऑयल ना हो, कुछ सॉफ्टनेस ना हो और आपकी स्किन थोड़ी अकड़न में हो और थोड़ी सी खिंची खिंची सी स्किन हो, तो ये है आपकी ड्राई स्किन। तो गाइस इस स्किन को के लिए बहुत ज्यादा ऑयलिंग की, बहुत अच्छे मॉइस्चराइजर की जरूरत होती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप जब बेड से उठे आपकी स्किन एकदम खिंची ना हो, ये अकड़न ना हो, क्योंकि मुझे बहुत एलर्जी है इन चीजों से, तो रात को कोई ना कोई अपनी नाइट क्रीम या कोई अच्छा मॉइस्चराइजर अपने फेस पे जरूर अप्लाई करें, कोई अच्छा ऑयल जरूर अप्लाई करें, ताकि आपकी स्किन भी सॉफ्ट एंड स्मूथ हो जब आप मॉर्निंग टाइम में उठे। और आई एम श्योर मेरे छोटे से डेमो के साथ आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि आपकी स्किन किस टाइप की है। और अब अगर आप नेक्स्ट टाइम जब अपने प्रोडक्ट बाय करने जाएंगे ना, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि आपकी स्किन किस टाइप की है और आपको कौन से प्रोडक्ट बाय करने हैं। तो आप एकदम राइट प्रोडक्ट अपने लिए बाय करेंगे, जो कि आपकी स्किन को बेनिफिट भी दे सके। तो गाइस कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो, अगर पसंद आई है तो प्लीज उसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कीजिए, ताकि हर वीडियो मेरी आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो गाइस ये जो मेकअप है वो मैंने अपने चैनल पर पहले से अपलोड कर रखा है, तो आप जल्दी से जाइए और चेक कीजिए। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगर आपको कोई भी नॉलेजिंग वीडियो चाहिए तो प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताइए, मैं अगर हो सका तो मैं जरूर आपके लिए वो वीडियो क्रिएट करूंगी। तो बाय गाइस, किसी मिलते हैं किसी और वीडियो में।